तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन और भी आज भी मेरे पास काफी सारी स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से। तो भाई वीडियो को इन तक जरूर देखना और आप फ्यूचर में भी ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एनीवेज तो चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले सौरभ जोशी के बारे में। दो तीन वीडियो पहले मैंने एक स्टोरी कवर किया था ऑफ गोरा व्लॉगर एंड सौरभ जोशी। बेसिकली कुछ एलिगेशन लगाए थे गोरा व्लॉगर सौरभ जोशी के अगेंस्ट कि जब वो उनके सोसाइटी के बाहर मिले गए थे वो 4+ घंटा वेट किए। इवन सौरभ जोशी का थार बाहर जाके अंदर भी आया तब भी वो नहीं मिले उनसे। तो या उन्होंने अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया अपने वो व्लॉग में। इस चीज को मैंने सिंपली एज ए न्यूज कवर किया था एंड इनफैक्ट इसका बैक स्टोरी भी मैंने दिया था कि काफी टाइम से सौरभ जोशी के अगेंस्ट ये एलिगेशंस लग रहे थे कि वो अपने फैंस से ठीक से नहीं मिलते हैं जो उनके सोसाइटी के बाहर आते हैं एंड स्टफ लाइक दिस। तो यही कि उनका एटीट्यूड आ गया। इस चीज के ऊपर वो रिप्लाई भी दिए हुए अपने चैनल पे। मैंने कवर भी किया था उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि जब उनसे लोग ऐसे मिलने आते हैं तो उनको कैसी प्रॉब्लम्स होती। तो आपको पता होगा सौरभ जोशी के अगेंस्ट एक एलिगेशन बार बार लगाया जाता है कि जब लोग उनके सोसाइटी के बाहर मिलने जाते हैं उनसे तो वो मिलते ही नहीं है या अच्छे से नहीं मिलते हैं। इस चीज को एड्रेस भी कर चुके हैं वो अपने चैनल में। तो सौरभ जोशी फाइनली आज एक टॉपिक के बारे में खुल के बात की है। अगर आप उनके व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि मोस्टली वो अपने लाइफ के सारे पॉजिटिव थिंग्स दिखाते हैं बट आज वो बात की अबाउट ऑल दोस बैड एक्सपीरियंसेस जो उनके एंड उनके फैमिली के साथ होता है। फर्स्टली उन्होंने कहा कि उनके अगेंस्ट बहुत सारे फेक एक्सपोज वीडियोस बनते हैं, उनको एटीट्यूड किंग, घमंडी, ये सब जो बोला जाता है। ये सब वीडियोस कौन बनाते हैं इसके बारे में वो बात की है। सो या एज आई सेड मैंने पूरा बैक स्टोरी के साथ ये न्यूज कवर किया एंड अपने शॉर्ट्स चैनल में भी पोस्ट किया बट देन सौरभ जोशी का उसमें ये कमेंट आया। इसके नीचे मैंने भी ये रिप्लाई किया। मैंने आप लोग के सामने गोरा व्लॉगर का ओपिनियन डाला एंड सौरभ जोशी का भी रिप्लाई दे दिया जैसे कि आपने अभी सुना। मेरे ऊपर उन्होंने जो ये लाइन लिखा उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई देना चाहूंगा। सो फर्स्टली सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफकोर्स यार यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। सो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूं। देन आपने जो मेरे को यहां शेम ऑन यू कहा है दिस मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इट्स लाइक कि मैं आपको बोल रहा हूं शेम ऑन यू फॉर मेकिंग व्लॉग्स फॉर व्यूज। जैसे कि आपका काम है व्लॉग्स अपलोड करना वैसे ही मेरा काम है न्यूज अपलोड करना। इट्स माय जॉब। नाउ गाइस एक बार आप मेरे पोजीशन में आके एक चीज सोचो। अगर कोई यूट्यूबर के अगेंस्ट एक वीडियो बनता है एंड आप उस न्यूज को कवर नहीं करते हो तो फिर लोग आपके अगेंस्ट कमेंट करते हैं कि भाई तूने न्यूज कवर नहीं किया, तू सौरभ जोशी की तरफ बायस्ड है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये न्यूज को कवर कर लूं तो भाई क्रिएटर से कुछ ऐसा कमेंट मिलता है आपको। तो भाई अब आप ही बताओ मेरे को करना क्या चाहिए इस केस में। दोनों तरफ से मेरा ही गलती है क्या? एंड गाइस दिस इज नथिंग न्यू। न्यूज बॉय ने भी अपने एक वीडियो में बताया था कि सौरभ जोशी ने उनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था। रीजन जानना चाहोगे? आप खुद उनसे ही सुनिए। मुझे सौरभ जोशी ने भी अनफॉलो कर दिया बहुत पहले। मैं आज बात कर रहा हूँ इसलिए अनफॉलो कर दिया बिकॉज एक यूट्यूबर ने सौरभ जोशी के ऊपर एक्सपोज वीडियो निकाला था एंड मैंने वो चीज कवर कर दिया था एंड हो गया कांड भाई। इनफैक्ट ऐसा सिमिलर चीज मेरे साथ भी हुआ था। पहले मेरा उनके साथ अच्छा बातचीत था फिर अचानक से ही अनफॉलोड मी। और सौरभ भाई आपको याद होगा इंस्टाग्राम पर आपने मेरे को कुछ मैसेजेस भेजे थे कुछ महीनों पहले। अभी तो मैं उसको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ रिस्पेक्टिंग योर प्राइवेसी बट अगर आगे जाके मेरे को क्लैरिफाई करना पड़े तो भाई मेरे को दिखाना ही होगा। एंड अगर आपको मुझे कुछ रिप्लाई करना है तो मेक श्योर आप पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई करें। सो या बस इतना ही फॉर नाउ। अभी मेरे को पता है मनोज दे की तरह मेरे को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम से एंड इफ दैट हैपेंस आप लोगों को सौरभ जोशी का मैच्योरिटी लेवल दिख जाएगा क्लियरली। एनीवेज चल दोस्तों अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले पीपोई वर्सेस सुपर खालसा के बारे में। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे पीपोई एंड सुपर खालसा के बीच में एक रेसलिंग मैच हो सकता है। पूरा स्टोरी जानना है तो लास्ट वीडियो जाके देख लेना एक बार। बट आफ्टर दैट सुपर खालसा आज कुछ स्टोरीज अपलोड किए पीपोई के अगेंस्ट। व्हेन आई सेड बिग रेसलिंग फाइट कमिंग सून तो मेरा मतलब है कि किसी वेल नोन फॉर्मर WWE रेसलर से फाइट होगी ना कि किसी नकली जासूस से। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे चैलेंज कर रहा है जिससे उसकी गली के बच्चे भी ना डरते हैं और वो सुपर खालसा को रेसलिंग का चैलेंज कर रहा है। वेट फॉर माय नेक्स्ट स्टोरी। एंड आगे उन्होंने अपने स्टोरीज में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, आप खुद सुन लीजिए। बहुत सारे मेरे भाइयों के मुझे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे और वो बोल रहे हैं कि भाई आपको यूट्यूब के नकली जासूस ने चैलेंज कर दिया रेसलिंग का। और ये बात सोच के मुझे बहुत ज्यादा हंसी भी बहुत आई, बहुत ज्यादा तरस भी आया उस बेचारे पे कि वो किससे पंगा ले रहा जिससे उसकी गली के बच्चे डरते हो और वो सुपर खालसा से लड़ने की बात करें। तो बहुत तरस आ रहा मुझे इस पे बेचारे पे। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें प्रॉपर डिटेल में समझाया गया था कि इसने क्या चैलेंज किया है मुझे, तो मुझे मैं कहता हूं मैं हंस के पागल हो गया। जब बंदा ना खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे सुपर खालसा के लेवल तक पहुंचने के लिए 90 दिन लगेंगे। बेटा 90 दिनों तक जब तू मेरे इस लेवल पे पहुंचेगा ना तो 90 दिन में मैं पता नहीं कहां किसी और लेवल पे पहुंच चुका होऊंगा। तो सुपर खालसा के लेवल पे आने के लिए तू अगर 7 जन्म भी ले लेना तो वो भी तेरे लिए कम पड़ जाएंगे, ठीक है। और तू रही बात तो मुझे यूट्यूब का चैंपियन बता रहा था और खुद को पता नहीं कराटे का चैंपियन बता रहा था। बेटा सेल से खरीदी हुई काले रंग की बेल्ट को ना कराटे की ब्लैक बेल्ट नहीं कहते, ठीक है। जो तू अभी वर्कआउट
करने वाला है ना मुझसे रेसलिंग करने के लिए, तो बेटा जो तेरा वो वर्कआउट है ना उतना तो मैं सिर्फ वार्म अप करता हूं अपने वर्कआउट से पहले, ठीक है। तो अपने मन में ये कोई वहम मत रखना कि सुपर खालसा ने तेरे चैलेंज का रिप्लाई नहीं किया था। मुझे अभी पता चला है कि रिप्लाई किया है मुझे, तूने जो मुझे चैलेंज किया तो तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तुझे मैं अभी इंस्टाग्राम पे नंबर भेजूंगा अपना, जब मर्जी तू कॉल करके आ जाना, चाहे तू 90 दिनों के बाद आ चाहे तू आज ही आ जाए, मैं पंजाब में जलंधर में हूँ इस समय, जब मर्जी कॉल करके आ जाना तू, ठीक है। तेरा रेसलिंग का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने ये दिखाया, चैलेंज एक्सेप्ट करते ही ब्लॉक कर दिया मुझे, क्या हुआ अब डर लग रहा है तुझे, हो गई चड्डी आगे से गीली और पीछे से पीली, # नकली जासूस नकली ब्लैक बेल्ट। सो या अभी तक पीपॉय ने कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया अपने एंड से, जैसे ही कुछ आता है आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एनीवेज चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं, हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा एक नया ट्रेंड आया, स्केलेटन्स रोस्टिंग - यूट्यूबर, ये बेसिकली पॉपुलराइज हुआ फ्रॉम द चैनल शुभ स्केलेटन। इनका चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हुआ एंड आप देख सकते हो कितने अच्छे व्यूज आते हैं इसमें। तो इसके ऊपर फुकरा इंसान भी रिएक्ट करते हुए ये कहे, भाई ये क्या नया ट्रेंड चल रहा है, एक बार मतलब क्या स्केलेटन रोस्टिंग, फिर शार्क रोस्टिंग, एलियन रोस्टिंग, कल से फुकरा इंसान लिखता हूँ तो पता नहीं कौन से रोस्टिंग दिखते हैं भाई। ऑल्सो शुभ स्केलेटन अपने YouTube पोस्ट में आज ये बताया कल फेस रिवील होगा, तो फाइनली अब हम लोग को पता चलेगा इस चैनल के पीछे कौन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं अभी एंड न्यू के बारे में। तो अभी एंड न्यू पोस्ट करके बताया कि उनको एक अवार्ड मिला फ्रॉम नन अदर देन द गवर्नर हिमसेल्फ। जी हां, दिस इज प्रीटी ह्यूज एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू देम फॉर दिस। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सफारी ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन नॉट योर टाइप ने कंप्लीट कर चुके 500 के सब्सक्राइबर्स, देन मेहदी हसन ने कंप्लीट कर चुके 1 million subscribers, and finally Potato को मिल चुका उनका silver play button, so many many congratulations to all of them. तो चलिए अब कुछ international stories के बारे में बात करते हैं। तो first of all हम लोग बात करने वाले KSI versus Alex Wasabi के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि KSI अपना boxing match announce कर दिए जो कि August को होगा। ये announcement आने के बाद ही Alex Wasabi KSI के against ये कहे, prove it then Big Deji, you're just a bigger slower target. फिर आगे KSI ने उनको reply किया, how are you acting like you did something? You beat my bro, fair play. I'm a completely different animal. Look at everything I've achieved. Now look in the mirror, we are not the same Alex. जिसपे वो कहे, you're just boring me now. You've been talking about me for years. So either keep making excuses or back it up. It's that simple. जिसपे finally KSI कहे, I know what you're trying to do. तो क्या इन दोनों के बीच में boxing match हो सकता है in the future? Let's see. तो चलिए final story के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले Nico Omilana के बारे में। तो करीब 5 दिन पहले Nico एक बहुत ही viral video upload किए, I pranked America's most racist man. जिसमें basically वो एक बहुत ही racist organization के leader को prank किए। बहुत ही बढ़िया video था and this literally went viral. Like उन्होंने इसके बाद 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, 4 दिन के अंदर इस वीडियो में 20 मिलियन व्यूज आए एंड सारे यूट्यूबर्स उनका तारीफ किए फॉर दिस। इनफैक्ट फुकरा इंसान भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, दिस इज द बेस्ट वीडियो आई हैव एवर वॉच्ड ऑन यूट्यूब, क्रेजी। द डे वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हाई एफर्ट कंटेंट इन इंडिया विल बी द डे वी विल सी इंडियन क्रिएटर्स रीचिंग ग्लोबल लेवल। सो या चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।